हे तो हाल ही के चैप्टर्स में हमें काफ़ी कुछ पता चल रहा है इससे रिलेटेड। मेरे पे काफ़ी सही थ्योरी सूझा शैंक्स के मोटिव से रिलेटेड। मांगा स्पॉयलर्स बहुत है इस वीडियो में, तो मांगा स्पॉयलर्स अलर्ट एंड लेट्स जस्ट स्टार्ट द थ्योरी। लेट्स बिगिन। शैंक्स का एग्जैक्ट मोटिव क्या है हमें नहीं पता। वो बंदा कभी वॉर रोकने आ जाता है, कभी वानो पहुंच जाता है, कभी गोरोसे से मिलने चले जाता है, कभी वन पीस खोजने निकल जाता है। एग्जैक्टली करना क्या चाहता है वो हमें पता है कि शैंक्स ने गोमू गोमू नोमी वर्ल्ड गवर्नमेंट के शिप से चुराया था। इसका मतलब ये है कि शैंक्स को गोमू गोमू नोमी के बारे में पता था और उसको जोबियो के बारे में भी पता था, तभी उसने चुराया ना भाई। मतलब कि उसको उस फ्यूचर में आने वाले वॉर के बारे में भी पता होगा ना, जिसके बारे में वाइट बेड ने मरते टाइम बात किया था। वाइट बेड ने क्या बोला था याद है, कि फ्यूचर में एक बंदा आएगा जो एस के विल को कैरी करेगा एंड वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाएगा, एंड वर्ल्ड गवर्नमेंट एक इवेंट्स वॉर से डरती है जो कि होकर ही रहेगा। नाउ वाइट बिट जब ये बात बोल रहा था तब हमें ओडा ने वहीं पे हिंट दे दिया था कि लूफी ही ये बंदा होगा, विच मीन्स कि वर्ल्ड गवर्नमेंट जॉबे के साथ वॉर करने से डरती है, जिसके हिंट्स हमें तब भी मिले थे जब लूफी के फ्रूट के अवेकनिंग के बारे में गोरो से बात कर रहे थे। उनके चेहरे में खौफ दिख रहा था प्रॉपर वाला। बहुत लोगों को लगता है कि शैंक्स पीस बैलेंस मेंटेन करता है, वर्ल्ड बैलेंस मेंटेन करने का काम करता है, लेकिन अगर उसको वर्ल्ड बैलेंस ही मेंटेन करना है तो फिर तो उसको फ्रूट वर्ल्ड गवर्नमेंट के पास से चुराना नहीं चाहिए था ना। वो क्यों चुराया निका फ्रूट को भाई? नहीं चुराता तो जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहता, राइट? लेकिन ऐसा नहीं किया उसने। मतलब कि शैंक्स भी चाहता है कि जॉय बॉय और वर्ल्ड गवर्नमेंट वॉर करे, लेकिन लव शैंक्स तो गोरोसे से मिलने गया था ना, मतलब कि शैंक्स वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ किसी वे में मिला हुआ है। सही बात है, बट वट इफ शैंक्स गोरोसे को चूतिया बना रहा है? अच्छा, सबको पता है ना कि अभी के टाइम पे वर्ल्ड गवर्नमेंट स्ट्रॉन्गेस्ट है, लेकिन अगर कल के टाइम पर दो योंकोस हाथ मिला ले जैसा काइडो और बिग मॉम ने किया था तो फिर वर्ल्ड गवर्नमेंट हिल जाएगी। ऐसे में वर्ल्ड गवर्नमेंट का बेस्ट ऑप्शन होगा एक योंको के साथ दोस्त बन जाना। तुमने एक चीज़ ध्यान दिया था कि मरीन फोर्ड वॉर में एक भी मरीन रेड हेड पायरेट्स के अगेंस्ट गया ही नहीं था। लाइक एक मरीन भाई रेड हेड पायरेट्स के अगेंस्ट नहीं था, नॉट इवन अकाइनू जो पायरेट्स से हेट करता है। ऐसा शायद इसलिए हुआ था क्योंकि रेड हेड पायरेट्स और वर्ल्ड गवर्नमेंट सीक्रेटली एक अलायंस का पार्ट थे, एंड इस चीज़ में दोनों का फायदा था। वर्ल्ड गवर्नमेंट को एक योंको का बैकअप मिल गया था और रेड हेड पायरेट्स के मैटर में वर्ल्ड गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती थी। लेकिन अगर शैंक्स को वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ फ्यूचर में अलायंस बनाना ही था तो वो फिर निका फ्रूट को चुराया ही क्यों? ऐसा हरकत किया ही क्यों जिससे वर्ल्ड गवर्नमेंट आग बबूला हो गई? और आग बबूला होने के बाद भी वर्ल्ड गवर्नमेंट उससे हाथ क्यों मिलाई? वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए तो शैंक्स दुश्मन बन गया होगा ना? नॉट रियली। वर्ल्ड गवर्नमेंट शैंक्स के साथ अलायंस बनाई क्योंकि शैंक्स ने निका फ्रूट को 12 साल पहले चुराया था, एंड शैंक्स 6-8 साल पहले ही योंको बना है। इसलिए अगर योंको बनने के बाद शैंक्स ये प्रपोजल लेके गया होगा कि मैं बैकअप दूंगा और अगर फ्यूचर में कभी निका फ्रूट मिला तो वो भी दूंगा, तो वर्ल्ड गवर्नमेंट का एक्सेप्ट करना इज़ नॉट वियर्ड। और रही बात ट्रस्ट इशूज़ की, कि जो बंदा निका फ्रूट को चुराया उसके साथ कैसे अलायंस बना सकते हैं, इसका भी मेरे पास एक मस्त एक्सप्लेनेशन है। मैंने इस वीडियो में वैसे बताया था कि क्यों शैंक्स ने निका फ्रूट को चुराया था, इधर भी बता देता है, क्योंकि शैंक्स को निका फ्रूट को एस को खिलाना था। एस को इसलिए क्योंकि एस रॉजर का बेटा था, एंड क्योंकि रॉजर खुद कहीं ना कहीं केपेबल था निका फ्रूट को अवेकन करने का, शैंक्स को लगा कि रॉजर का सुपुत्र ही निका फ्रूट को अवेकन कर सकता है एंड रॉजर का बेटा ही फ्यूचर में वर्ल्ड गवर्नमेंट के अगेंस्ट वॉर छेड़ेगा। बट उस फ्रूट को लूफी ने खा लिया। लेकिन ये बात तो शैंक्स को पता था ना, वर्ल्ड गवर्नमेंट को थोड़ी ना पता था कि निका फ्रूट को किसी ने ऑलरेडी खा लिया था। अगर शैंक्स योंको बनने के बाद ये बोला होगा कि निका फ्रूट को एक बच्चे ने खा लिया था और उसने उस बच्चे को फिर मार दिया, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ पता है? इसका मतलब ये हुआ कि जब तक लूफी वर्ल्ड गवर्नमेंट के सामने तरीके से नहीं आया था तब तक वर्ल्ड गवर्नमेंट खुद श्योर नहीं थी कि निका फ्रूट कहाँ है। उनको शायद लग रहा होगा भाई कि कहीं पे सी में है ऐसा वैसा करके। याद है ना कि शैंक्स गोरोसे से मिलने गया था और वो एक सर्टन पायरेट के बारे में बात कर रहा था। आई थिंक कि वो लूफी के बारे में बात कर रहा था और वो गोरोसे से मिलने गया था ये बोलने कि निका फ्रूट जल्द ही अवेकन हो सकता है। क्या इसलिए गोरोसे ने CP0 के लीडर को बोला था लूफी को मारने? मे बी, शायद शैंक्स इस रीज़न से गोरोसे को ये सब बताने गया था क्योंकि उसको पता था कि लूफी का वहाँ पर हारना किसी वे में निका फ्रूट के अवेकनिंग में हेल्प करेगा, एंड जितना लूफी को ज़्यादा टारगेट करेंगे उतना जल्दी उसके फ्रूट का अवेकनिंग होगा। इधर पे तुम बोल सकते हो भाई कि गोरोसे गवार है क्या, उनको नहीं पता होगा क्या? वेल,
उनको हर चीज़ नहीं पता है भाई, ये बात तो फैक्ट है। लाइक वो जब लूफी के फ्रूट के बारे में एक्सप्लेन कर रहे थे तब वो खुद बहुत चीज़ के बारे में श्योर नहीं थे इतना ज़्यादा। तो हो सकता है कि शैंक्स को ऐसी चीज़ें भी पता है निका फ्रूट के बारे में जो गोरोसे को ढंग से नहीं पता। एंड एट प्रेजेंट शैंक्स करना क्या चाह रहा है? वेल, निका फ्रूट अवेकन हो चुका है एंड इसलिए शायद शैंक्स ने वर्ल्ड गवर्नमेंट को फाइनली बिट्रे कर दिया है। मतलब वो पहले से ही दोगला था बट वो अब दिखा दिया है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट को उसने धोखा दिया है। उसने ये कैसे किया तुम पूछ सकते हो, जिसका जवाब है रियो कोग्यू को लूफी को मारने से रोक के। शैंक्स ने वैसे पहले भी मरीन फोर्ड में लूफी को बचाया था बट उस टाइम पे लूफी के पास निका फ्रूट है ये चीज़ वर्ल्ड गवर्नमेंट को एकदम 100% पता नहीं था। और उधर पर सेंगोकू डिसाइड कर रहा था क्या करना है, प्लस उस वॉर में वर्ल्ड गवर्नमेंट एस के डेथ पे ज़्यादा फोकस कर रही थी। तो उधर पे शैंक्स बहाना मार के बच के निकल गया होगा शायद। शैंक्स ने वैसे अब ये भी बोल दिया है कि वो वन पीस को खोजने निकल रहा है, विच मीन्स कि वर्ल्ड गवर्नमेंट को उसने पूरी तरीके से बिट्रे कर दिया है। चलो अब वापस से मैंने शैंक्स और वर्ल्ड गवर्नमेंट के अलायंस के बारे में जो जो बोला था उसे रिकॉल करो। उस अलायंस से वर्ल्ड गवर्नमेंट को एक योंको का बैकअप मिल रहा था एंड इन एक्सचेंज वर्ल्ड गवर्नमेंट बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं कर सकती थी रेड हेड पायरेट्स के हरकतों में, विच मीन्स कि शैंक्स ने जिन भी आइलैंड्स को अपने टेरिटरी का पार्ट बना रखा है उन आइलैंड्स में भी वर्ल्ड गवर्नमेंट थोड़ा सा भी हरकत नहीं कर सकती थी। हमने शैंक्स को पहले एल्बेफ जैसे एक आइलैंड में देखा था, विच माइट मीन कि एल्बेफ शैंक्स के टेरिटरी में आता है। और चैप्टर 1064 में हमें पता चला था कि सॉल और बाकी के जायंट्स ने ओहारा के बुक्स को एल्बेफ में ट्रांसपोर्ट कर दिया है, तो इट्स पॉसिबल कि शैंक्स को इस चीज़ के बारे में पता है। हमने चैप्टर 1064 में ही ये भी देखा था कि ड्रैगन और वेगापंक भी जायंट से इन अ वे कनेक्टेड है। रेवरी के टाइम ड्रैगन प्लान कर रहा था वॉर डिक्लेयर करने का अगेंस्ट वर्ल्ड गवर्नमेंट, लेकिन ये मुझे तो बहुत फुलिश लग रहा था सिंस ड्रैगन के पास इतना रॉ पावर नहीं है कि वो वर्ल्ड गवर्नमेंट को हरा दे। लेकिन अगर ड्रैगन के पास एक सीक्रेट जायंट्स की आर्मी हो तो, जिसके बारे में वर्ल्ड गवर्नमेंट को भी कुछ नहीं पता है सिंस वो लोग एल्बेफ में कभी इंटरफेयर ही नहीं कर सकते थे। सो व्हाट आई थिंक इज़ शैंक्स और ड्रैगन दोनों हाथ मिला रखे हैं एंड रेवोल्यूशनरी आर्मी भी जॉबो के साथ ही वर्ल्ड गवर्नमेंट पर अटैक छेड़ेगी एंड शायद शैंक्स भी रेवो के साथ मिलके ही वर्ल्ड गवर्नमेंट पर वॉर करेगा। एंड क्या इसी वजह से वेगापंक ने लूफी में इंटरेस्ट दिखाया क्योंकि वो जॉबो है और वो वॉर स्टार्ट करेगा? मे बी, वेल दिस इज़ ऑल अ थ्योरी, तो बहुत भी सीरियसली मत ले लेना इसको। इट माइट बी पॉसिबल कि ऐसा कुछ ना हो, बट हो भी सकता है। अरे हाँ, ड्रैगन के आर्मी में वो जायंट भी है ना भाई, एक जायंट है ना जो कहीं पे भी गड्ढा कर देता है। मैं बता रहा, ड्रैगन और जायंट का कुछ अच्छा कनेक्शन है एंड शायद से शैंक्स का भी ड्रैगन और जायंट से कनेक्शन है। ऐसा भी हो सकता है भाई कि ड्रैगन लूफी इधर से वर्ल्ड गवर्नमेंट पर अटैक कर रहे एंड शैंक्स उधर से भाई ये बाकी के दोनों योंको को रोक रहा, बग्गी और उसको ब्लैक बेट को। मे बी, हो सकता है। एंड दैट्स इट। लाइक द वीडियो इफ़ यू लाइक्ड द वीडियो। कमेंट सेक्शन में अच्छा बुरा लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी। सब्सक्राइब इफ़ यू वॉन्ट टू। एंड अब नेक्स्ट वीडियो में ही आवाज़ सुनने मिलेगी, तो बाय बाय।